हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर तीन नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। किसी का भी नाम सोचकर एक नंबर चुन लीजिए, या फिर आपके लाइफ में तीन लोग हैं या फिर दो लोग हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर पर आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को रखकर ये देख सकते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ये टॉपिक आप सबको बहुत पसंद है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि आपसे एनर्जी ज़रूर कनेक्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये टाइमलेस वीडियो है, आप इसे चाहे जब देखें, विश्वास के साथ देखेंगे तो आपसे ज़रूर कनेक्ट होगा। जनरल रीडिंग है, सभी के साथ कनेक्ट हो जाए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप इसको एक एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं तो भी आप देख सकते हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ध्यान से देखिए, 1, 2, 3 यहाँ पर तीन नंबर है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, तो तीन कार्ड्स आपके सामने हैं। जो नंबर आपने चुना था, बस उसी नंबर की रीडिंग को देखिएगा, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नंबर फर्स्ट, फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, उनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सक्षम हैं, आपके पास जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपने अपनी मेहनत से बहुत कुछ बनाया है। लेकिन थोड़ा सा आपको कंजूस भी वो देखते हैं, और ये मतलब नेगेटिव नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हाँ चलो ज़रूरी है चीज़ों को मतलब बचा कर रखना, पैसों को बचाना, फिजूल खर्ची नहीं है आप में, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है। आपको एक ऐसा व्यक्ति देखते हैं जो हमेशा लोगों के काम आते हैं और बहुत सिंपल हैं, कोई मन में लालच नहीं है, कोई कपट नहीं है, पूरा पेंटिकल की एनर्जी है। थोड़ा सा आप चीज़ों को देर से समझते हैं, थोड़ा डिसीज़न आपका लेट होता है, इस तरीके से वो आपको देख रहे हैं। ठीक है, पैसों की कमी नहीं है, फिर भी आप ऐसा दिखाते हैं जैसे आपके पास पैसे नहीं हैं, तो इस तरीके का व्यक्ति ये आपको देख रहे हैं फ़िलहाल अभी। ठीक है, आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, ईश्वर ने आपको इतना अच्छा दिमाग दिया है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत प्रगति करेंगे। अभी वो आपके बारे में ये चीज़ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर सेकंड, हमें क्या पता चलता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, उनको लगता है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप लोगों को अच्छी सलाह दे सकते हैं, अच्छे से गाइडेंस दे सकते हैं, आपके पास ईश्वर ने बहुत अच्छी बुद्धि दी है, आपके पास बहुत दिमाग है, बहुत ही प्रतिभा से भरे हुए इंसान हैं, जीवन में आप बहुत तरक्की करेंगे, लोगों का को एक तरीके से सहारा देते हैं, अपनी बातों से लोगों को बताते हैं उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बहुत अच्छा इंसान देख रहे हैं आपको, आपको एक ऐसा इंसान समझ रहे हैं जिसके पास हर एक बात की, जैसे कोई समस्या होती है तो अगर कोई इंसान आपसे पूछने आता है कि देखो मेरे लाइफ में ये सब हो रहा है, इसका क्या समाधान हो सकता है, तो आप बहुत अच्छे से लोगों को गाइड करते होंगे कि देखो ऐसे करना है वैसे करना है, तो आपको बहुत सक्षम समझते हैं कि आप बहुत काबिल इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की होगी, आपने बहुत डिग्री हासिल की होगी, आप एक बहुत ही प्रतिभा से भरे हुए इंसान हैं, ऐसा वो देख रहे हैं। आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा दिमाग दिया है, बहुत अच्छी बुद्धि दी है, और आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपको एक टीचर के रूप में देखते हैं जो लोगों को शिक्षा देते हैं, जो लोगों को सही रास्ता बताते हैं, तो बहुत अच्छे विचार हैं इनके आपके प्रति। आइए देखते हैं नंबर तीन, हमें क्या पता चलता है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या है अभी फ़िलहाल, या फिर आने वाले वक्त में क्या सोच हो सकती है। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं ना तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही है, तो कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। आइए देखते हैं नंबर तीन, हमें क्या पता चलता है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नंबर तीन, आपने जिसके लिए भी चुना है ये इंसान, अभी उनको लग रहा है ना कि आप अपने जीवन में अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं और बंधे हुए हैं अपनी ही सोच में, आपकी ही सोच आपको बांधती चली जा रही है, आप बहुत नेगेटिव हो गए हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके जीवन में परेशानियाँ ही परेशानियाँ भी हैं,
और क्यों है? क्योंकि आपने खुद ही अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखा है। आप खुद नहीं देखना चाहते हैं लाइफ में आप कहाँ पर खड़े हैं। अपनी ही सोच आपको बर्बाद कर रही है। आपकी खुद की सोच ही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या है, ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है ये इंसान आपको बहुत समझाते हों, कहते हों कि इतना मतलब इतना डर क्यों है आपको, आप अपनी लाइफ में इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं, इतना नेगेटिव क्यों है। आपको एक ऐसा इंसान देख रहे हैं जो अपनी ही सोच में बंध गया है, ठीक है, अपने ही लिए नेगेटिव हो गया है, खुद के ही लिए लाइफ को बहुत डिफ़िकल्ट बनाता चला जा रहा है। सामने सब कुछ है, डिसीज़न लीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, खुद के लिए कुछ कीजिए। तो कहीं ना कहीं इंसान आपकी केयर करते हैं, परेशान हैं कि आप लाइफ में करेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि आप खुद ही अपने आप को बांधते चले जा रहे हैं। कुछ नहीं है, बस आपकी सोच है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, खुद ही आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं। आप अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर परेशान हैं तो खुद की सोच से हैं, ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये एनर्जी आपसे ज़रूर कनेक्ट हुई होगी। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए। लाइफ में हर वक्त नेगेटिव रहना बहुत हानिकारक होता है। देखते हैं आपके लाइफ में क्या है। अगर आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं तो क्या करना चाहिए आपको, एक कार्ड देखेंगे बस। थोड़ा सा अपने आप को फ्री कीजिए लाइफ में। हर वक्त अगर आप चीज़ों को संभालते रहेंगे तो आप अपने आप को खो देंगे, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। नंबर 3, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ पे आप ही कंट्रोल करें। थोड़ा सा अपने आप को फ्री छोड़िए और फिर देखिए कि कौन आपके काबिल है कौन नहीं है, कौन किसको फिक्र है किसको नहीं फिक्र है। जैसे होता है ना, हर ईंट को लगता है कि दीवार उसकी वजह से खड़ी है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो ये सत्य नहीं है ना। तो वही चीज़ है, आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके ही हिसाब से है, ये सच नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा जो मैंने आपसे कहा ना, कि हर ईंट को लगता है कि दीवार उसी की वजह से खड़ी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अपने आप को इतना टेंशन में रखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा फ्री कीजिए अपने आप को। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर भार लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं थे तब भी ये दुनिया चल रही थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने माइंड पे मत रखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो ये जो आपने 3 नंबर चुना था, अगर आपकी एनर्जी है ऐसी, अगर आपके पर्सन सही समझ रहे हैं आपके बारे में, तो आप ज़रूर अपने आप को थोड़ा सा फ्री करने की कोशिश कीजिए, परेशानियों से बाहर निकलिए। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।